हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। तो चलिए आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं फेदर हेयर कट, उसे किस तरीके से करते हैं एकदम आसान तरीके से बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोग एकदम आसानी से सीख सकती हैं और कर सकती हैं। अगर पार्लर नहीं भी जा रही हैं तो भी वीडियो को पूरा देखेंगी तो आसानी से सीख सकती हैं और अपने घरों में भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने बालों को अच्छे से गीला करके सुलझा लिया है और फिर जो है बीच से मांग निकाल के दोनों तरफ से बराबर बराबर जो है थोड़े से बाल को लेना है, ज़्यादा बाल नहीं लेना है, दोनों तरफ से बराबर ही लेना है। और हमें कस्टमर से पूछ लेना है कितना छोटा चाहिए। तो इनका हम देखिए इस तरीके से चिन एरिया पे कट कर रहे हैं। पहला जो स्टेप है हमारा ये चिन एरिया पे कट कर रहे हैं। तो चिन एरिया पे पहला स्टेप करेंगे तो अच्छा लुक आएगा, लेकिन अगर कोई कोई कस्टमर इस तरीके से होती है जिससे उन्हें बाल ज़्यादा छोटा नहीं करना है तो थोड़ा से हम बड़ा भी कट कर सकते हैं। वो जो है हमारे ऊपर है और कस्टमर के ऊपर है कि उनको कितना छोटा बड़ा बाल चाहिए। तो फिर इसके बाद इस तरीके से जो है जो हम सामने कट किए हैं उसे दो भाग में कर देंगे जो है, और फिर बीच से मांग निकालेंगे, आधा आधा बाल कर देंगे, आधा आधा बाल डिवाइड कर देंगे, आधा इधर करेंगे आधा उधर करेंगे। तो अब इस तरीके से फिर पतले पतले हम सेक्शन को निकालेंगे, बहुत ही हमें पतला पतला सेक्शन को लेना है और जितने पतला हम सेक्शन लेंगे हमारी कटिंग उतने अच्छे से आएगी। अगर हमारे बाल हाथ में ज़्यादा आते हैं तो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम छोटे छोटे बाल मतलब थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके कट करेंगे तो आसानी से हमारी कट हो सकती है। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा से बाल हम पीछे से ले आए हैं और जो हमारी गाइड लाइन है उसे मिलाते हुए कट कर रहे हैं, और कट इस तरीके से कर रहे हैं जो हमारी छोटी उंगली है और उससे हम लंबाई दे रहे हैं, बालों की लंबाई जो है उससे हम दे रहे हैं। अभी दोबारा फिर से देखिए इस तरीके से थोड़े से बाल को ले आइए और बाल को एकदम अच्छे से सुलझा लीजिए। और सिर के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बच्चियां होती हैं तो बार बार बहुत सिर हिलाती है, जिस तरीके से काम करिए उस तरीके से उनका सिर हिलता रहता है तो उससे भी कटिंग थोड़ी ख़राब आ जाती है। ये हमारा जो है गाइडलाइन है। और नीचे से देखिए जो हमारी छोटी उंगली है उससे हम उसे गाइडलाइन से मिलाते हुए लंबाई देते हुए कट कर रहे हैं इस तरीके से, थोड़ा सा तिरछा कट। फिर सेम तरीका वही है, फिर हम थोड़े से बाल लेंगे और बाल को अच्छे से सुलझाते हुए सामने ले आएंगे। और देखिए जितनी बार भी हम कॉम कर रहे हैं उतने उतने बार हम इनके सिर को ठीक कर रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सिर के ऊपर ध्यान देना है। फिर ये फिर वही तरीका देखिए, सामने हम ले आए एकदम और जो हमारी गाइडलाइन है उससे, और एकदम जो हमारी छोटी उंगली है उसे नीचे से लेंगे और गाइडलाइन से मिलाते हुए कट कर देंगे। ये कटिंग अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, उनके में अच्छा लुक भी आता है और इसमें इस कटिंग में ज़्यादा बाल कटते भी नहीं हैं और शेप बहुत अच्छा आता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो अगर आपके पास इस तरीके से कस्टमर आ रही है जिनके बाल स्ट्रेट हैं तो उनके ऊपर आप इस कटिंग को दे सकती हैं। तो स्ट्रेट बालों के लिए ये कटिंग बहुत ही अच्छा है। और सिर के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना, अगर हमारा जैसे कस्टमर जो है अगर उनका सिर सीध में नहीं रहेगा, सीधा नहीं रहेगा तो फिर कटिंग हमारी ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके देखिए एक साइड का कट हो चुका है और लुक भी अच्छा ही दिख रहा है। फिर सेम उसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी कट करना है और अगर हमारे बाल जैसे सूख जाते हैं तो उसे हमें बीच बीच में गीला कर लेना है। अगर हम गीला करके कटिंग करेंगे तो दो जो कटिंग होगी बाल जो है अच्छे से कट होंगे। तो इस तरीके से जैसे बालों को गीला कर लीजिए, फिर से अच्छे से सुलझा लीजिए और फिर थोड़े से सेक्शन ले आइए। सेम उसी तरीके से इधर भी करना है, थोड़े थोड़े सेक्शन लेते हुए पतले पतले से। फिर वही तरीका देखिए गाइडलाइन से,
और जो छोटी उंगली है उससे लंबाई देते हुए बालों की इस तरीके से उसमें गाइडलाइन में मिलाते हुए कटिंग कर देना है। थोड़ा सा तिरछा कट देना है, तिरछा कट देंगे तो जो है बाल हमारे छोटे नहीं होंगे। और कटिंग करते समय जैसे एक आध बार गाइडलाइन नहीं दिखती है तो फिर से हम कॉम करेंगे, फिर से गाइडलाइन को लेंगे और फिर हम कट करेंगे। जब तक हमें गाइडलाइन ना दिखे तब तक हमें कटिंग को नहीं करनी है, जब हमें गाइडलाइन दिखे उसी से मिलाते हुए हमें कटिंग को करना है तो हमारी कटिंग कभी ख़राब नहीं हो सकती है। तो जिसकी ये कटिंग हो रही है अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है इसलिए इसका सिर और ही ज़्यादा हिल रहा है, तो जब जितनी बार हम कॉम कर रहे हैं उतनी बार इनका सिर भी हम ठीक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें सिर के ऊपर ध्यान देना है तभी हमारी कटिंग अच्छे से होगी। और फिर दोनों तरफ इस तरीके से हम मिला के देखेंगे कि हमारे बाल छोटे बड़े तो नहीं हैं, तो दोनों तरफ जो है बराबर ही दिख रहे हैं। और फिर हम अच्छे से कॉम करेंगे, उसे चेक करेंगे कि हाँ किसी तरह हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है। तो इस तरीके से फिर हम अच्छे से कॉम करेंगे तो फिर वो हमें दिख जाएगा। और फिर चेक करेंगे इस तरीके से कि परफेक्ट लुक आया है कि नहीं। तो लुक तो देखिए अच्छा ही आया है, जिस तरीके से इस कटिंग में लुक आना चाहिए वैसा ही लुक आया है बिना सेटिंग के। तो ये कटिंग स्ट्रेट बालों के लिए काफ़ी अच्छी कटिंग है, बाल छोटे भी नहीं होते हैं और लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो चेक करने पे हमें इस साइड का जो है बाल थोड़ा सा बड़ा दिखा, तो फिर उस तरीके से हम भाग को जो बाल को दो भाग में डिवाइड कर दिए हैं। जिस तरफ का बड़ा था उस तरफ हम फिर जो है उसी सेम उसी तरीके से हमें कटिंग करनी है, गाइडलाइन को मिलाते हुए थोड़े थोड़े बाल को ट्रिम कर देना है। कटिंग सेम उसी तरीके से होगी जिस तरीके से पहले कटिंग हुई थी वैसे ही करना है, बस इस तरह के बाल थोड़े से बड़े थे तो उसी को उसके बराबर करना है, थोड़े थोड़े बाल को केवल ट्रिम करना है। तो इसी तरीके से कटिंग होने के बाद दो तीन बार चेक करना पड़ता है कि हमारी कटिंग कहीं सूची नीची नहीं है, छोटा बड़ा तो नहीं है, तो ये सब जो है देखना पड़ता है, नहीं कि कटिंग करने के बाद सीधा उसको छोड़ दें। तो एक दो बार चेक करिए जिससे कि हमारी कटिंग एकदम अच्छे से परफेक्ट हो, लुक आए, अच्छा लुक आए। तो सामने से भी देखिए इस तरीके से लुक दिख रहा है, कटिंग अच्छी ही हुई है, जिस तरीके से इसका लुक आना चाहिए ठीक उसी तरीके से आया है बिना सेटिंग के।
सामने से है, अब फिर उसी को हम पीछे करेंगे। पीछे भी अभी हम एक दो बार चेक करेंगे कि देखेंगे हमारे मतलब शेप देने की ज़रूरत है कि नहीं है। वैसे शेप देने की ज़रूरत नहीं दिख रही है, फिर भी हम अच्छे से कॉम करेंगे और देखेंगे कि हमारे बाल कहीं छूटे तो नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, इस तरीके से देखेंगे। तो जहाँ भी हमें दिखेगा तो थोड़ा हम ट्रिम कर देंगे। तो इस तरीके से कटिंग पूरी हो चुकी है। आप लोगों को कटिंग समझ में आई कि नहीं, अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।